तो मैं निवेदन कर रहा था 9 लोगों के साथ कभी विरोध न करें, शस्त्री मर्मी प्रभसर धनी बैद बंद कभी भान सिंह। पूर्व में भी मैंने इसका व्याख्यान किया, हाथ में जो हथियार लिए हुए हैं उसका विरोध न करें, हमारे भेद को जानता है उसका विरोध न करें, जिसके नीचे नौकरी कर रहे हैं उसका विरोध न करें, मूर्खों का विरोध न करें, उनके साथ न करें, धनवान लोगों का भी विरोध न करें, कब किससे कौन सी जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर्स लोगों का भी विरोध न करें, पता नहीं कब आवश्यकता पड़ जाए, कभी पत्रकार लोगों का भी विरोध न करें, गुरु लोगों का भी विरोध न करें, ड्राइवर का भी विरोध न करें और रसोइये का भी विरोध न करें। न वही विरोध है नहीं कल्याणा। आपके इसी अजमेर में एक बार घटना घटी थी, रसोईया ने पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज के प्राण ले लिए और वह एक गड़का के साथ मिला हुआ था। जोधपुर के राजा के दरबार में स्वामी दयानंद जी महाराज पहुंचे थे तो उस राजा के बगल में कोई गड़का बैठी थी तो उन्होंने कुछ ऐसा ही कुछ शब्द बोल दिया था जो उस स्त्री को चुभ गया। जो वो महाराज के प्राण लेने के लिए, पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज जी के प्राण लेने के लिए हावी और रसोईये से मिल गई, उसको पैसा पूसा, कोई बात हुई होगी, दूध में जहर डाल करके स्वामी जी को पिला दिया। यहीं की बात है अजमेर की। स्वामी जी को पता लग गया था कि इसने मुझे जहर दे दिया, लेकिन संत कितने दयालु, नेपाल का था वो, उसने कहा देख ये तो ले, तू मुझसे किराया ले और जल्दी से निकल जा, यदि मेरे अनुयायियों को पता लग गया तो वो तेरे प्राण ले लेंगे। और उसको किराया और दिया और कहा कि तू यहां से निकल जा बिल्कुल, नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी बिल्कुल, तूने तो ठीक नहीं किया है। और उसको निकाल करके वहां से और स्वामी जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। शास्त्री मरमी प्रभुसठ धनी वेद बंद कवि भानस गुनी, तब मारी हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याण। इन नौ के साथ विरोध करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। तो अक्रूर ने सोचा मालिक है मार डालेगा, इससे तो बढ़िया है चले जाए तो ज्यादा ठीक है। तो भोर हुआ प्रातः गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजे क्षणी भक्तिम पराम उपगता एवमेत चिंतयत। प्रातः ही भगवत नाम उच्चारण करते हुए और श्री अक्रूर जी ब्रजमंडल के लिए निकल, कहते हैं वर्णन किया है कि मवई दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम। और कहते हैं उत्तम श्लोक उसे कहते हैं महात्मा लोग जिसकी बड़ाई प्रशंसा करते हो, जिसकी कथा गाते हो। भगवान की कथा साधु लोग गाते हैं इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। ये कहते हैं कि भगवान का दर्शन इतना मुश्किल है जैसे विषयी व्यक्ति के लिए वेद पढ़ना बड़ा मुश्किल है। आज मैं कितना बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान का दर्शन होगा।